स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष से हमारी आजादी का सपना साकार हुआ। उन सभी ने त्याग और बलिदान के अनूठे उदाहरण प्रस्तुत किए। मैं उन सभी अमर सेनानियों की पावन स्मृति को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। राष्ट्रपति ने कहा कि मैं हर माता पिता से आग्रह करता हूं कि वे होनहार बेटियों के परिवारों से शिक्षा लें और अपनी बेटियों को भी आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करें। साथ ही उन्होंने कोरोना काल में हुई क्षति पर भी दुख व्यक्त किया। स्वाधीनता दिवस का 15 अगस्त में सिर्फ एक दिन बाकी है, यानी कि कल पूरा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इसकी तैयारियां राजधानी दिल्ली के साथ साथ देश के कई शहरों में जोर शोर से चल रही है। दिल्ली के लाल किले पर इंडिपेंडेंस डे परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। साथ ही स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। तो वहीं दिल्ली शहर को अलर्ट पर रखा गया है। हर साल की तरह लाल किला और इसके आसपास के इलाके, बॉर्डर एरिया और दिल्ली में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन, बैलून या कोई और चीज उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लाल किले के प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे। तो बता दें आपको कि दिल्ली में 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज को फहराएंगे। आपको बता दें इसको लेकर तमाम तैयारियां भी हो गई हैं और प्रधानमंत्री देश को संबोधित भी इंडिपेंडेंस डे के दिन करने वाले हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में झंडोत्तोलन करेंगे। इसको लेकर गांधी मैदान के अंदर और आसपास की ऊंची इमारतों में सुरक्षा पर नजर रखी जा रही है। कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए परेड समारोह में सामान्य व्यक्ति को प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था रहेगी। आमंत्रण पत्र वाले अतिथियों, पत्रकारों और सरकारी कार्य में संलग्न अधिकारियों और कर्मियों को पहचान पत्र के आधार पर प्रवेश मिलेगा। प्रवेश के लिए मास्क अनिवार्य होगा। तो वहीं स्वतंत्रता दिवस में होने वाली झांकी की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। तो बता दें कि पटना में गांधी मैदान में भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झंडोत्तोलन करने वाले हैं, जिसको लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। आपको बता दें कि राजधानी पटना के गांधी मैदान के पास की इमारतें, जो बड़ी ऊंची इमारतें हैं, वहां पर भी सुरक्षा की विशेष रूप से एहतियात बरती गई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 अगस्त को झंडोत्तोलन करेंगे। बुद्ध वचन की सत्यता आज भी करेंगे या मरेंगे अंग्रेजों करेंगे। पटना सिटी में भी गंगा ने विकराल रूप दिखाना शुरू किया है। बिहार के लगभग 28 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और राजधानी पटना भी उससे अछूता नहीं है। राजधानी पटना के गंगा किनारे तो गंगा का पानी सड़क पर चढ़ ही चुका है। अगर अभी भी और बारिश हुई तो स्थिति और भी विकराल हो सकती है। पटना सिटी के कई ऐसे इलाके हैं जो जलमग्न है। इसका जायजा लिया संवाददाता मुकेश ने। तो पटना सिटी में आपको बता दें कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि राजधानी पटना भी पानी पानी हो चुका है। आपको बता दें कि राजधानी पटना का यह हाल है। बाढ़ प्रभावित कई ऐसे बिहार के इलाके हैं जिसमें राजधानी पटना भी शुमार हो चुका है और यह पटना सिटी का मालसलामी एरिया है, जो आप देख सकते हैं किस तरीके से जलमग्न है। गंगा ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है और इसका असर अब पटना सिटी के कई इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। इलाका पूरा का पूरा पानी पानी है। बक्सर में जीवनदायिनी कही जाने वाली गंगा के रौद्र रूप को देखते हुए जिलेवासियों के माथे की चिंता लकीरें पैदा हो गई हैं। तो वही गंगा के लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए डीएम अमन समीर और जिले के पुलिस कप्तान और सदर एसडीएम के उपाध्याय ने गंगा के तटीय इलाकों का नाव के जरिए सर्वेक्षण किया है। इस दौरान डीएम ने बताया कि स्थिति अभी ज्यादा चिंताजनक नहीं है। अगर स्थिति पैदा होती है तो उसे निपटने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। तो वहीं सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन द्वारा पूर्व से ही गंगा में स्नान पर रोक लग गया है। वहीं बेगूसराय में वायरल हो रही एक वीडियो प्रशासन के सख्ती की पोल खोल रहा है, जिसमें रोक के बावजूद भी बच्चे खिलवाड़ करते हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो नाथ बाबा घाट की है। बक्सर में गड्ढे में डूब जाने के कारण 7 साल की बच्ची की मौत हो गई। घटना धनसई थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि बच्चा बीते दिनों ननिहाल आया, जहां सुबह खेलने के दौरान वो पानी भरे गड्ढे में जा गिरा, जिसमें डूबने के कारण उसकी मौत हो गई। तो बता दें कि बक्सर में गड्ढे में डूबने से बच्चे की
मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि खेलने के दौरान यह हादसा हुआ है, तो वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। द्वारापुर के बलदेव स्कूल स्थित बाढ़ राहत शिविर का जायजा लेने पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह और पटना एसएसपी उपेंद्र शर्मा पहुंचे। डीएम ने घूम घूम कर राहत शिविर का जायजा लिया। शिविर में देखे कर्मियों को देखते हुए उन्होंने दानापुर अनुमंडल अधिकारी को सुविधा बढ़ाने का निर्देश भी दिया है। इस मौके पर अनुमंडल अधिकारी ने कहा कि दियारा के लोग अगर राहत शिविर में आना चाहते हैं तो उनके आने के लिए व्यवस्था की गई है। बाढ़ सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। जी, गंगा नदी 2016 में जो जलस्तर था लगभग उसी जलस्तर पर है, तो अभी दियारा पानी से घिरा हुआ है। दियारा क्षेत्र जो दानापुर और मनेर की जो 6 और 6 पंचायत है, वहाँ के जो भी लोग यहाँ शरण स्थलों में आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। हमारे यहाँ दानापुर में बलदेवा स्कूल, जनकधारी स्कूल, त्रिभुवन पार्क, बीएस कॉलेज, ये शरण स्थली के रूप में चयनित हैं। ऐसे ही मनेर में भी 5 शरण स्थली हमारी चयनित हैं। तो जो जो व्यक्ति शरण लेना चाहते हैं यहाँ आ सकते हैं, और उनका यहाँ पर मेडिकल टीम है, यहाँ पे जो जानवरों के रहने की व्यवस्था है वह है, खाने पीने का कम्युनिटी किचन जो है। बिहार और उत्तर प्रदेश को विभाजित करने वाली कर्मनाशा नदी का जलस्तर बढ़ने से क्षेत्र का निप्राण गांव बाढ़ की चपेट से पूरी तरह से घिरा है। इस गांव में 4-चक्का वाहन की बात तो दूर, बाइकों का आवागमन भी बंद है। निप्राण गांव में लगभग 150 घर हैं जो इस वक्त बाढ़ की चपेट में है, तो वह मुख्य मार्ग पूरी तरह से जलमग्न है। बाढ़ का निरीक्षण करने दुर्गावती सीओ पहुंचे लेकिन कोई आश्वासन नहीं दिया गया। हम लोग यहाँ फिलहाल में 3 दिनों से बाढ़ आई हुई है, जो कि हम लोग बहुत समस्या से जूझ रहे हैं पानी की वजह से, और सीओ साहब शायद निगरानी में गए हुए थे, हम लोग से मुलाकात नहीं हुई, और वहाँ कोई अभी तक सरकार के माध्यम से कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। स्वास्थ्य का व्यवस्था नहीं है, न आने जाने के लिए व्यवस्था है, यदि अभी कोई बीमार पड़ जाए गाँव के अंदर तो उसके जान खतरे में है। खबरें आगे और भी है लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पे 15 अगस्त के उपलक्ष पे मेरी ओर से, हमारे संगठन की ओर से, कदम की ओर से यौम आज़ादी की शुभकामना तमाम देशवासियों को, बिहार वासियों को, मैं आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच अपनी बात रखना चाहता हूं और इसके लिए मैं आपको शुभकामना देना चाहता हूं। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर संपूर्ण देशवासियों व प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। यह दिन हर भारतवासियों के लिए गौरव का दिन है। मुझे चिंता नहीं स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखता हूं। पुनः स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं संजय सिंह
प्रदेश प्रवक्ता जन अधिकार पार्टी समस्त पदाधिकारियों की ओर से, जन अधिकार पार्टी की ओर से समस्त बिहारवासियों एवं देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोग घर में उत्साह पूर्वक इसे मनाएं। नमस्कार सभी गाजीपुर पंचायत के सम्मानित जनता को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और स्वतंत्रता दिवस तथा रक्षाबंधन के लिए मैं सभी ग्रामीण वासियों को तहे दिल से मैं अपने तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ। आप तमाम भारत देशवासियों को एवं विश्व शांति के लिए 15 अगस्त एवं भैया दूज रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आप तमाम बिहार वासियों को एवं देशवासियों को मेरी तरफ से इस 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामना के साथ देश में अमन चैन शांति बहाल हो, देशवासी हमेशा जो है खुश रहे, प्रसन्नचित रहे, बेरोजगारी हल हो, इन सारे शब्दों के साथ आप तमाम भारतवासियों एवं बिहारवासियों स्पेशली बक्सर जिले के लोगों को मैं अपनी तरफ से 15 अगस्त एवं रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाओं के साथ प्रणाम करता हूँ। मैं टीएन चौबे, चेयरमैन कैम्ब्रिज स्कूल डुबरा हूँ। आप सभी देशवासियों, बिहारवासियों एवं विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों को विद्यालय परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। हम कामना करते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आई एम वेंकटेशन फ्रॉम चेन्नई एंड आई एम वर्किंग एज ए प्रिंसिपल ऑफ राइजिंग सन इंटरनेशनल स्कूल सिंस 2015। ऑन बिहाफ ऑफ my management, all the teachers, even my students, I am wishing happy Independence Day as well as the forthcoming Raksha Bandhan. The both festival can make more happiness of our life. That too, this Independence Day, it is 75th of Independence Day. As a Indian, we should feel more proud to be unite. Thank you. Rising Sun International School के मैं डायरेक्टर हूँ रमा ठाकुर। और 15 अगस्त को और रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में हमारे पूरे देशवासियों को, बिहारवासियों को और हमारे पूरे जिलेवासियों को और हमारे स्कूल के बच्चे, भी हमारे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हमारे टीचर, हमारे बच्चों को उस हमारे तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष करके जो हमारे सीमा पे हैं, BSF है, मिलिट्री की जमान है, ITBP है, उसमें महिला और पुरुष दोनों को और पूरे सेना को हमारे स्कूल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएँ हमारे। 75वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम बार एसोसिएशन उदा किशनगंज की ओर से समस्त अनुमंडल वासी एवं समस्त देशवासी को हार्दिक शुभकामना देता हूं और ये आशा करता हूं कि आगे भी हम लोग इसी तरह स्वतंत्रता दिवस मनाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। जाकर कवि डिग्री महाविद्यालय करामा आलमनगर मधेपुरा में अध्ययनरत छात्र छात्राएं, उनके अभिभावक, महाविद्यालय में कार्यरत सभी विद्वान शिक्षक एवं कर्मचारियों के साथ भूपेन नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर RKP रमन, कुल सचिव प्रोफेसर डॉक्टर मिहिर कुमार ठाकुर के साथ तमाम पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस 2021 की शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाइयां। बोले
75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर गंगापुर पंचायत के संपूर्ण वासियों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। 75वीं स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर संपूर्ण ग्राम पंचायत खापुर वासियों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 75वीं स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आलमनगर प्रखंड वासियों को आलमनगर प्रखंड प्रमुख नकुल देव पासवान की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। बोध ऋषि देव, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आलमनगर, सह मुखिया ग्राम पंचायत आलमनगर दक्षिणी, इस 75वीं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आलमनगर प्रखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। 75वीं स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हमारे प्यारे भाई ग्राम पंचायत खुरान के सभी वार्डों के वासियों एवं अभिभावकों को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई। मैं संजीव तिवारी, अपर अनुमंडल पदाधिकारी उदा के सुनने, अनुमंडल परिवार की ओर से, अनुमंडल प्रशासन और सिविल प्रशासन की ओर से 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और इस राष्ट्रीय पर्व को, स्वतंत्रता दिवस को, सभी अनुमंडल के आम जनता, प्रशासन आपसी सहयोग के साथ अच्छे से मनाएं और इस राष्ट्रीय पर्व में शरीक हों। 15 अगस्त 2021 स्वतंत्रता दिवस के लिए मोकामा पश्चिमी की तमाम जनता को कोटि कोटि बधाई हो, हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और मैं 2021 के पंचायती त्रिस्तरीय चुनाव के लेकर के सभी जनता से गुहार लगाता है कि सभी लोग इसमें आकर के अपना अपना योगदान दें, भागीदारी निभाएं, यही मेरी शुभकामना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका डीटीवी भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। पटना सिटी में ऑल इंडिया जमीत यूल कुरेश इकाई का चुनाव दरगाह रोड स्थित मंगलम हॉल में आयोजित किया गया। इसमें चुनाव में निर्विरोध बिहार इकाई के अध्यक्ष मोहम्मद कलीम इमाम चुने गए और इस मौके पर जेडीयू के एमएलसी और अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष गुलाम रसूल बलियावी, पूर्व विधान पार्षद आजाद गांधी समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। मेरी प्लानिंग बिल्कुल स्पष्ट है कि समाज के लिए मैं डिवोटेड हूँ, इनके लिए समर्पित हूँ और इनके जितने छूटे बचे काम हैं मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मैं जानता हूँ कि इस बात को सरकार तक कैसे पहुँचाना है। हमारा जो मैनिफेस्टो में है, जो प्रस्तावना में जो बात आई है, वो सारी बातों को लेके बिजाबते हैं हम लोग पेन एंड पेपर में। सरकार को, गवर्नर को मैं पहले भी दे चुका हूं, ये दूसरी बार है जब हमारे विधान पार्षद गुलाम रसूल बलियावी साहब ने कहा है कि पेन एंड पेपर में आइए और मैं इसमें मदद करूंगा। जमीयतुल ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के बिहार इकाई का धन्यवाद करो, आज चुनाव हुआ, निर्विरोध अध्यक्ष बिहार राज्य के भाई कलीम इमाम साहब चुने गए। मेरी तरफ से उनको बहुत सारी मुबारकबाद, शुभकामनाएं, बधाइयां। समाज में तालीम, तरबियत और जो बुनियादी मसाइल हैं, इन सारी चीज़ों पर एक प्रस्ताव भी पारित हुआ है, उस प्रस्ताव की कॉपी हम। पटना सिटी के मालसलामी थाना की पुलिस ने नगला इलाके से गुप्त सूचना के आधार पर 3 अपराधियों को 1 पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि 3 अपराधी नगला इलाके के मजार के पास अपराध की योजना बना रहे हैं, जिसके आधार पर पुलिस की टीम पहुंची, जहां पुलिस की टीम को देखकर तीनों अपराधी भागने लगे। फिलहाल पुलिस ने तीनों गिरफ्तार आरोपियों को पकड़ लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। तो बता दें, पटना सिटी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, पुलिस ने 3 अपराधियों को धर दबोचा है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को देखकर तीनों अपराधी फरार हो रहे थे, लेकिन इसी दौरान तीनों को धर दबोचा गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक देसी पिस्टल और साथ ही साथ बंदूक की गोलियां भी वहां से बरामद की गई हैं।
गश्ती के क्रम में गुप्त सूचना मिली कि कुछ असामाजिक तत्व जो है और आपराधिक किस्म के व्यक्ति जो है वो हथियार के साथ नगला में मजार के पास बैठे हुए हैं। उसी सूचना पर जब गश्ती पार्टी वहाँ गई तो देखकर भागने लगे, उन्हें दौड़कर पकड़ा गया। उनके पास एक पिस्टल, देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। लखीसराय जिले के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार के निर्देश पर हलसी थाना की पुलिस बालू माफियाओं पर कहर बनकर सड़कों पर उतरी। हलसी थाना प्रभारी अवधेश कुमार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवानों ने हलसी थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर बालू की चोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए वाहन चेकिंग और छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें बालू से लदे 4 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया है। तो वहीं हलसी पुलिस की कार्रवाई से बालू माफियाओं में हड़कंप है। सूचना मिले कि अवैध बालू लोड करके कुछ ट्रैक्टर हमारे क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, जिसमें हम और रामगढ़ SHO अरविंद कुमार दोनों को आपस में तालमेल बिठाकर संयुक्त छापामारी किया। इसमें हम लोग 4 अवैध बालू लोड ट्रैक्टर को पकड़ने में सफल हुए। मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना परिसर में अंचलाधिकारी और थाना अध्यक्ष की अध्यक्षता में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें जमीनी संबंधित 3 मामलों का निष्पादन किया गया है। बता दें कि गायघाट थाना परिसर में थाना प्रभारी अनिल कुमार और CO राघवेंद्र कुमार राघवन की अध्यक्षता में जनता दरबार लगाया गया। इसमें कई फरियादी जमीनी संबंधित समस्या लेकर पहुंचे। अंचलाधिकारी ने कहा कि शेष मामलों का भी जल्द निष्पादन किया जाएगा और इस मौके पर राजस्व कर्मचारी अरुण कुमार, धर्मेंद्र कुमार सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। पूर्व से हमारे यहाँ 9 मामले लंबित थे, जिसमें 3 मामले निष्पादित हुए और 2 नए मामले आए हैं, तो हम लोग के यहाँ भी 8 मामले अभी लंबित रह जाएंगे। 3 मामलों का निष्पादन किया गया। पूर्व से फिलहाल खबरों में इतना ही। यहाँ मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।